उतना भी बेसिक से पहले वो 11th क्लास का होगा, उसको आप ध्यान रखिएगा, उसका यूज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ 5 या 6 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग टाइम का। पहले 6 मार्क्स था बहुत पहले, और 5 मार्क्स कर दिया है। चलो क्या होता है, अभी हम लोग जो पढ़ाए आपको इंटीग्रेशन, उन सबका यूज कैसे करेंगे, उस पर काम करना ही एप्लीकेशन। जैसे मान लो कि कोई भी कर्व है, मान लो ये पारा बुलाई है, फिजिक्स में पढ़ते हो ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो बना इस तरह से, ठीक है, तो इसका एरिया बाउंडेड हमें क्या देता है, इसका बाउंडेड एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे देगा, इसको निकालने के लिए इसका निकालना पड़ेगा एरिया। ये ना तो सर्कल है ना स्क्वायर, कुछ नहीं है, तो इसके एरिया को निकालने के लिए वी इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे बताएंगे आपको भी हम, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक जो आपका फॉर्मूला जो है ग्राफ है, उसको आप ध्यान रखिएगा, इसका 11th में पढ़े भी होंगे, उसको हम बिल्कुल लिखा देते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहला है कि अगर कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पैराबोला और अपवर्ड है इस तरह से। दूसरा है पैराबोला अगर डाउनवर्ड है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तीसरा पैराबोला अगर राइट हैंडेड है इस तरह से। चौथा पैराबोला अगर लेफ्ट हैंडेड है इस तरह से। अगर पैराबोला राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, उस तरह के फिगर का क्वेश्चन क्या होगा, उस पर सब ध्यान देना। जब इसको याद रखोगे तभी का क्वेश्चन बनेगा इसका। देखो पैराबोला अपवर्ड है, तो पढ़े होंगे पैराबोला आप लोग, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4ax प्लस में होगा। डाउनवर्ड रहेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -4ax। राइट हैंडेड रहेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4ay। और लेफ्ट हैंडेड रहेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -4ay। ठीक है, चार टर्म तो ये हो गया, लिखिए प्रॉपर लिखिए इसको, इसका यूज कर लेंगे। स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा, और ये x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा। चारों फिगर को ध्यान रखिएगा, लिखे थोड़ा फास्ट में। चलो उसके बाद फिर ध्यान रखना, ये वक्त चार टाइप का पैराबोला हो गया। अगर तरीका ही एक्स प्लस स्क्वायर रहे, मतलब कि अगर मुंह उसका वाई पर खुला हुआ रहेगा तो एक्स प्लस स्क्वायर होगा, मुंह अगर एक्स पर खुला हुआ रहेगा तो स्क्वायर किस पर होगा, वाई, उल्टा काम करेगा। अगर माउथ इसका वाई एक्सिस पे खुला हुआ है तो स्क्वायर किस पर होगा, एक्स पर। माउथ इसका अगर वाई एक्स पे खुला हुआ है तो स्क्वायर किस पर होगा, वाई पर।
जस्ट उल्टा, ठीक है। पैराबोला के बाद, पैराबोला के बाद फिर इलिप्स पढ़ाओगे, देखो ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हो गया तुम्हारा इलिप्स, पढ़े हो ना अलेवेंथ में इलिप्स, इसे कहते हैं मेजर एक्सिस स्मॉल ए लेंथ इसका है, मान लो ये माइनर एक्सिस स्मॉल बी लेंथ इसका है, इसका इक्वेशन याद रखिए है होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। इलिप्स होगा अगर मेजर एक्सिस इसका ए है माइनर बी है, मतलब दैट मींस ए अगर बड़ा है किससे बी से, तो इलिप्स का ये इक्वेशन याद रखिएगा, इसका यूज करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का भी बहुत सा पूछता है क्वेश्चन, सर्कल का क्या है कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0.0 होता है ना और उसका रेडियस आर है सर्कल का, अगर सेंटर ओरिजिन पर है रेडियस आर है तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट आर स्क्वायर। सेंटर अगर ओरिजिन पर होगा रेडियस इसका आर होगा तो फॉर्मूला यूज करना आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर अगर ओरिजिन पर नहीं होगा तो क्या होगा बताए इसको, अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, सेंटर मान लो एक्स एक्सिस पर है, इस टाइप से अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर है और वो ओरिजिन को टच कर रहा है, बोलो ये डिस्टेंस क्या हो गया, अगर ए है, अगर ये डिस्टेंस ए है मीन्स इसका रेडियस ए है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए मतलब रेडियस ए है, तो इसका जो फॉर्मूला यूज करना है वो हमें यूज करना है एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स माइनस ए का और स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गए, सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा एक्स एक्सिस पर होगा, देखो ये डिस्टेंस कितना है ए है ना, ये भी ए, ये भी ए डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस भी ए, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई एक्सिस पर रहेगा, मान लो सर्कल का फॉर्म ऐसा रहेगा, सपोज को सर्कल ओरिजिन टच कर रहा है और सेंटर वाई एक्सिस पर है, इसका रेडियस कितना ए दिया हुआ है, इसका बोलो फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा ये y माइनस ए का और स्क्वायर और रेडियस ए ही ना है ए का स्क्वायर, ठीक है। अगर सेंटर इसका ओरिजिन पर भी नहीं है, x पर भी नहीं y पर भी नहीं, किसी क्वाड्रेंट में है लाइक इस तरह से और दोनों x को टच कर रहा हो, तो उसका ये सेंटर का पॉइंट a कोमा b होगा ना, इस लेंथ को a कहेंगे इस लेंथ को b कहेंगे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, और अगर इसका रेडियस आर है सर्कल का तो रेडियस आर है तो इसको आप आर का स्क्वायर लिख सकते, ठीक है, रेडियस अगर आर है तो रेडियस आर है क्वाड्रेंट किसी क्वाड्रेंट में है वो दोनों एक्स को टच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला सर्कल का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, ये सब चारों है, चारों ये बोल अपना फिगर याद रहेगा फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा क्वेश्चन चैप्टर का, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पैराबोला भी सिखा दिया आपको, इलिप्स का भी हो गया, हाइपरबोला बाकी एक सब नहीं दिखता है, चलिए हो गया ये, देखो फास्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड लाइंस एक्स इक्वल टू वन
एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा पहले इसको। ग्राफ बनाना खुद से ही है, दिया हुआ नहीं रहेगा। एक हम बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं, उसका यूज करना तुम सीख जाओगे, क्वेश्चन बनाना आसान अपने आप से। एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। ये क्या है? ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0.0। ऑरिजिन कौन सा कर्म है? वाई स्क्वायर। जब भी किसी एक पर स्क्वायर हो, किसी एक x पर y में किसी एक पर स्क्वायर है, समझ जाना पड़ा वाला है वो। दोनों पर स्क्वायर रहेगा, समझ जाना वो सर्कल है, ये एलिप्स। किसी एक पर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर, सिर्फ y पर स्क्वायर है, समझ जाओ पड़ा वाला है। y पर स्क्वायर तो मुंह कहां खुलेगा? x की ओर। प्लस x की ओर, ठीक है ना? प्लस इधर, दिस इज द पैराबोला। ड्रॉ हो गया, ठीक है? कुछ माप करो, नहीं बस इसे ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? x। ग्राफ इसका हो गया। एंड लाइंस, क्लास 9 से पढ़े थे आप, x इक्वल टू 1 किसके पैरेलल? y के पैरेलल। पढ़े हो ना? कितना डिस्टेंस पर? एक डिस्टेंस पर। मतलब 0 है, ये 1 है, 0 है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 होगा तो ना? x इक्वल टू 1 मींस y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, 1 डिस्टेंस पर। दिस इज द लाइन, सही है? x इक्वल टू 4 है, y के पैरेलल 4 डिस्टेंस। ड्रॉ कर लिए, ये काम भी हो गया। एंड x एक्सिस का निकालना क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, गिर रहा है इस कर्व के द्वारा, लाइंस इस दोनों के द्वारा और x एक्सिस के द्वारा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एरिया तो बाउंड यहां भी हो रहा है ना, बट इट इज नॉट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट पॉइंट ये है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट कर्व और लाइन और x एक्सिस के पीछे एरिया ना। कर्व भी हो गया, लाइन भी हो गया, x एक्सिस भी हो गया, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो गया। बाउंड क्षेत्र निकालना ही, नाम मान लिए इसका a, नाम मान लिए b, नाम मान लिए c, नाम मान लिए d। इस एरिया को निकालना, ये ना तो रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना पैराग्राम, कुछ नहीं है जिसका फॉर्मूला पढ़े हैं। तो वैसे एरिया को निकालना हो जिसका फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं, सिर्फ बस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो कैसे बनेगा वो इंटीग्रेशन है। तो रिक्वायर्ड एरिया वो कैसे बनाते हैं सीधा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ, या रिक्वायर्ड एरिया कितना है? रिक्वायर्ड एरिया हमारा है एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो क्या कहोगे बाबू? कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां जाना आपको है? एक से चार, एक से चार। लिमिट, लिमिट कहां लिया? लिमिट ए एक्स एक्सिस पर ली। ये लिमिट एक्स एक्सिस पर है ना, जब लिमिट एक्स पर होगा तो आप यहां डीएक्स यूज कीजिएगा, ट्रिक है मेरा। लिमिट वाई पर रहेगा तो डीवाई लोगे, ठीक है? मान लो कोई ग्राफ ऐसे बनता और इस एरिया निकालना आपको है, 0 से 7 है, लिमिट का 0 से 7 लेंगे, लिमिट 0 से 7 से वाई पर आ गया, यहां पर क्या वाई नहीं आएगा, डीवाई आएगा, ठीक है? मतलब लिमिट जिस एक्सिस पर तुम लोगे उसी एक्सिस का वेरिएबल आपको देना वहां पर, ठीक है? उसी के रूप में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना, देख सकते। चलिए इतना कर लिए। अब आइए इसमें कर्व कौन सा है जो अपना योगदान दिया? तो कर्व ये है, और इस कर्व का इक्वेशन क्या है? ऊपर है। तो करना क्या है, सुनो ध्यान से, इंपोर्टेंट बोल रखते हैं। लिमिट जिस पर लिए हो उसी का वेरिएबल होगा पहली बात तो, और यहां पर उसी फंक्शन से उस वेरिएबल का मान उसी टर्म में निकालोगे जिस टर्म में वेरिएबल है। वेरिएबल टर्म में एक्स के है, तो मान निकालना है वाई का किस टर्म में? एक्स के टर्म में। वाई का मान एक्स के टर्म में कितना आएगा? रूट एक्स आएगा, नहीं आएगा? वाई का मान नहीं, वाई स्क्वायर का मान नहीं, वाई का मान एक्स के टर्म में, ठीक है? बस हो गया, कैंडिडेट कर लोगे इसको। रूट एक्स का 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 3/2। ये भी कितना होगा? 3/2 होना पड़ेगा ना। लिमिट कहां से कहां? 1 से 4, 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, उलट जाएगा, 2/3, 1 से 4। अपर लिमिट टूट रहेगा पहले, अपर लिमिट क्या 4 है ना, 4 को 2 का स्क्वायर पे पावर 3/2 माइनस 1 पे पावर 3/2, सही है?
दो कट गया, दो का क्यूब कितना हो गया आठ, एक पापा कुछ भी हो एक कितना आया सात, आंसर क्या आया 14/3 स्क्वायर यूनिट क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल है तरीका, फिगर ड्रॉ कीजिए, सेट कीजिए, लिमिट जिस पर लिए हो उसी का वेरिएबल लीजिए, उसी के टर्म में उसका मान निकालो वाई का। ये पहला क्वेश्चन था, ध्यान देना बाबू। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करना है खुद से ही, फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, फिगर ड्रॉ हमेशा खुद से करना है। इसका तरीका दे ही दिए हैं कि अगर x पर स्क्वायर है तो माउथ y पर खुलेगा, और y पर स्क्वायर तो x की ओर, प्लस है तो ऊपर और माइनस नीचे या राइट या लेफ्ट, देखो x पर स्क्वायर है तो माउथ खुलेगा y की ओर, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है 0 0, एक्स पर स्क्वायर है खुल गया हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y दिया गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई इक्वल टू 4 किसके पैरेलल, वाई इक्वल समथिंग मींस एक्स के पैरेलल, चार डिस्टेंस पर, मतलब ये 1 2 3 4 पॉइंट कितना हो गया 0.4, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सेट करेंगे इसको ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट स्कोर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखता तो पूरा सेट करते, पूरा सेट करते बट निकालते किसी एक का, डबल फिर कर देते उसको, ठीक है, निकालते किसी एक का डबल कर, क्योंकि पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस, सिमेट्रिक में जितना पार्ट इधर उतना इधर रहता है, ठीक है, इसीलिए। चलिए तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया आपका, ओ ए, ओ ए बी, फिर ओ ए बी छोड़ा नहीं है, ओ ए बी फिर डॉट टॉप आ गए, ठीक है। चलिए इंटरसेक्शन कहां से कहां, लिमिट कहां लेंगे, वाई पे ले रहे ना, 0 से 4 वाई एक्सिस पर लिमिट ले, यहां क्या हो गया डी वाई, ठीक है। उसके बाद देखो फिर वाई का वेरिएबल चाहिए हमको अंदर में भी, तो एक्स का मान निकालना है, जब वाई का वेरिएबल अंदर चाहिए तो एक्स का मान निकालना है ना, तो एक्स का मान क्या आएगा, √16 का 4 वाई का रूट, सही है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वही अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखता, सिर्फ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइंस, तो इतना निकाल के आगे हम दो से गुना कर देते बस, क्योंकि ये स्टेट पर होगा एरिया, ठीक है, सहम गए ना, यही करना आपको है हर क्वेश्चन के, ठीक है। चलो नोट कर लो उसको, फिर आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखोगे सर, देखो फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis comma line y equal to x and circle x square plus y square equal to 32 एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32, तो सर्कल लिख दिया तो भी सही, नहीं लिखता तो भी सर्कल ही समझते, क्यों इसको, चूंकि देखिए यहां पे सर्कल क्यों समझते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर, पहली बात तो दोनों का स्क्वायर तो लीफ में भी होता है, तो लीफ क्यों समझ गए हम लोग, सर्कल इसे समझे, देखा यहां पर x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर 32 नीचे लाओगे, अगर x स्क्वायर 32 y में 32 आ गया, इसका मतलब इसका a भी सेम, b भी सेम है ना, जब a भी दोनों सेम होगा समझ जाओ वो क्या होगा, सर्कल होगा, a भी डिफरेंट होगा तो क्या होगा, इलिप्स होगा, मीन सर्कल ही बनेगा ये, तो बोल सकते हो सर्कल का रेडियस क्या है,
इस सर्कल का रेडियस 4√2 होगा, चूंकि अभी जस्ट पढ़ाए थे यहां एक्स के साथ भी कुछ होगा, एक्स के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब जीरो है, एक्स के साथ कुछ नहीं है वाई के साथ भी जीरो है मतलब, और 32 को क्या कहोगे 4√2 का स्क्वायर नहीं कहोगे, 4 का 16 √2 का 32 आ गया। ऑरिजिन इज द सेंटर आ गया ना, ऑरिजिन इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज 4√2, ठीक है। 32 को √32 का स्क्वायर कहेंगे और √32 को क्या कहेंगे लोग 4√2 कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x² + y² = 4√2 का स्क्वायर, रेडियस 4√2 हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ए सर्कल विथ रेडियस 4√2, दैट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट, दिस कोऑर्डिनेट इज 4√2, 0, ठीक है यहां तक। चलिए इस सर्कल ड्रॉ कर लिए इस रेडियस का, इन स्केल से माप के ड्रॉ करना कुछ नहीं, बस एक ग्राफ फिगर ड्रॉ करना है जहां में y इक्वल टू x एक लाइन है पढ़े हो ना, लाइन ड्रॉ करने के लिए y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करने मान लो एग्जाम में ड्रॉ करना है, आपको कुछ तरीका पता नहीं तो एक बॉक्स बनाते थे ज्यादा टेंथ में, x का मान अपने मन से मानते थे, y का मान निकलता था, पॉइंट लिया करते थे, ज्वाइन करते थे, लाइन बन जाया करता था क्या, तो वैसे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है y इक्वल टू यहां कुछ नहीं 1 को क्या कहेंगे, 1 को 10 45 कहोगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन जो होगा वो ऑरिजिन से पास करेगा जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा इस तरह से, ठीक है। 10 45 का मान कितना होगा, 10 45 का मान 1 इस तरह से बनाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर ध्यान देना आगे लाइन सेवन कैसे बनाए, लाइन अगर आपको ऐसे नहीं बन रहा है तो बॉक्स बना लो, यस बना लो, y इक्वल टू यहां पर x रहेगा, y इक्वल टू 2x रहेगा, y इक्वल 3x रहेगा और जिनसे पास करेगा, प्लस c में जाता तो जिनसे पास नहीं करता, क्या ये लाइन और जिनसे पास करेगा, नहीं करेगा, x का मान 0 पुट करने पर y का मान 0 नहीं आएगा, तो यहां y का मान 0 पुट करो y का मान 0 आएगा तो जिनसे पास करेगा, और जिनसे पास ये नहीं करेगा ये करेगा, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर ली, 45 दिखाना जरूरी नहीं है, बस सिखाने ड्रॉ किए। क्वेश्चन 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस वाई इक्वल 0 एक्स एंड सर्कल, रिक्वायर्ड एरिया बोलो कौन है, ओ ए बी ओ है कि नहीं है, मीन्स रिक्वायर्ड एरिया जो उसमें यहां पर थोड़ा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, सही है, बिल्कुल सही है। अब ओ ए बी ओ में कितने इक्वेशन ऑफ कर्व का योगदान है, 2 का योगदान है, यहां से यहां तक देखे तो बाउंड किया लाइन, और यहां से यहां तक बाउंड कौन किया, सर्कल किया ना, 2 इक्वेशन का योगदान है, तो जहां से जहां तक सेम काइंड ऑफ इक्वेशन का योगदान है वहां से वहां तक को बांट दो आप भाग में, तो यहां से यहां तक सेम काइंड का है ना, एक परपेंडिकुलर गिरा करके इस रीजन को बांट दिया, और परपेंडिकुलर गिराए तो ये रीजन बट गया सर्कल का ना, सर्कल का ये बट गया, कर्व का ये बट गया, लाइन का ये बट गया। जब भी कोई क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक इक्वेशन हो तो जो जो इक्वेशन का ग्राफ अलग अलग बनाया हो उन सारे को अलग अलग भाग में बांटना है, अलग अलग बांटने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कहां से, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो लाइन और सर्कल यहां कटा, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर, एक पार्ट बन गया इधर, एक इधर बन गया, और ये पार्ट बन किसका, ये पार्ट लाइन के द्वारा बना और ये पार्ट बना सर्कल के द्वारा, सही है। इस पॉइंट को मान लो सी जहां गिरा है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करना है, वही ड्रॉ करना है जहां पर दोनों डिफरेंट इक्वेशंस वाले लाइन से कर्व कट कर रहे हैं, ठीक है। सुनो आगे, अब बोले यहां क्या कर लेंगे, ए ए ओ बी ओ को आपने 2 भाग में बांट दिया, एक है एरिया ऑफ ओ बी सी ओ
और दूसरा है एरिया ऑफ सी बी ए सी, सही है नहीं है? ओ बी सी ओ सी बी ए सी, दो अंक बट गया, दोनों लिख दीजिए। चलिए कहोगे सर लिख तो दिए बट ये रीजन ओ से सी तक वाला जो है उसका लिमिट एक्स एक्सिस पर है ना, बट सी का कोऑर्डिनेट पता है क्या? नहीं, तो कैसे लिमिट ले? यहां जीरो तो कर दिए बट यहां क्या खड़े पता नहीं। ठीक है, फिर कहोगे सर इस वाले में लिमिट कहां से कहां है? सी से करा नहीं है तो ये पता है कितना? ठीक है, ये पता नहीं ना कि हम लोग का यहां से यहां आना है ना, ये पता नहीं, ये जान रहे हैं इसलिए इसको मीन्स ये मिल जाए तो काम बन जाए क्या। अब सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? तो पढ़ाए थे आप लोग को हम क्लास 9-10 से ही कि दो लाइन जहां कटता है उसको सॉल्व कर लो दोनों कर्व को तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो सॉल्व किस दोनों करना है? सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन विच वेयर वी वेयर दे कट, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन। पहला इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, पुट कीजिए क्या आएगा? y इक्वल टू x, x स्क्वायर प्लस कितना हो गया x स्क्वायर इक्वल टू कितना 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 32, x स्क्वायर का मान कितना 16, x का मान कहोगे प्लस माइनस आएगा, प्लस 4 इसके लिए है और माइनस 4 इसके लिए है, यहां भी कट रहा है ना, प्लस 4 इसके लिए है मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया प्लस 4 और ये क्या हो गया सही है x का मान, दो पॉइंट कटा लिए सबको, x का मान प्लस 4 पुट करेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? x का मान प्लस 4 पुट करेंगे तो y का मान प्लस 4 ही मिलेगा, x का मान माइनस 4 पुट करेंगे तो y का मान क्या साफ फिगर सही है, फिगर है बिल्कुल, थर्ड पॉइंट पॉइंट है माइनस पर माइनस को। चलिए बोलो ये पॉइंट 4 4 है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 कोमा, सही है, लिमिट कहां से कहां 0 से 4, लिमिट कहां x पर लिए थे यहां dx, बीच में क्या है प्लस, लिमिट कहां से कहां 4 से 4 रूट 2 कहां, लिमिट कहां लिए dx, सही यहां तक है बिल्कुल सही है। चलिए अब आइए ये बाउंड किया कौन, ये बाउंड किया लाइन, ये बाउंड कौन किया सर्कल, तो इसका इक्वेशन यहां पुट करेंगे लाइन का यहां सर्कल का किस रूप में x के रूप में, x का मान निकालिए किससे लाइन से, मिलावट पहले ही है y x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, y का मान निकालना x के टर्म में, यहां पर भी y का मान x के टर्म क्या आएगा अंडर रूट, नहीं आएगा अंडर रूट 4 रूट 2 का और स्क्वायर माइनस एक्स का, सही है तो दिक्कत नहीं है, याद कीजिए इसका फॉर्मूला भी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, नहीं पढ़ाए थे तो लगा लेंगे इसको, इसका तो बन जाएगा, ठीक है यही मेन फॉर्मेट है तो ध्यान रखिएगा जितना कहानी बताए। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रो करना है, ग्राफ ड्रो कैसे करोगे मॉड x है तो सब जानते हो मॉड x का मतलब प्लस x भी होता है माइनस x, प्लस x कब होगा जब x पॉजिटिव होगा और माइनस x कब होगा जब नेगेटिव होगा, देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा सर, y इक्वल टू मॉड x है प्लस x ये हो गया, जब x का मान प्लस लिए तो y का मान प्लस आ रहा है, मॉड माइनस x कब होगा ये होगा x का मान माइनस y, ठीक है सही है ये उसके बोलो सही नहीं, ये तब होता है y इक्वल टू x रहेगा तब ऐसा होता है, y इक्वल टू मॉड x है ना, और मॉड की प्रॉपर्टी क्या पढ़े जब x का मान नेगेटिव लेंगे तो भी y का मान क्या पॉजिटिव यही बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x है ना, x नेगेटिव लिए फिर y क्या पॉजिटिव ही, x माइनस लिए फिर y क्या है सर पॉजिटिव, शुरुआत कीजिए आप लोग गाने का 8.1 एंड ये 8.1 को वहां शुरुआत की सब बनेगा, सबका हम चेक भी हम करेंगे पर डे 8.1 सभी बना के लाओगे एक से लेकर के 10 तक, लो ओके कल सर थर्ड लिखाए थे क्या, थर्ड कल लिखाए थे द न्यू वेब फ्रंट एट एनी रेडर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इन वेलप सरफेस ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रेड एट दैट टाइम, ध्यान मतलब क्या इसका हुआ, देखिए
ये मान लो पॉइंट सोर्स है, बात बिल्कुल भी एक पॉइंट सोर्स है, इसके कारण जो वेव फ्रंट बना था इसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहते डब्ल्यू वन, ये सब पॉइंट्स है जो वेरिएट किया था, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कर्व को हम लोग क्या कहते वेव फ्रंट कहते। ये आपका सोर्स है ऑफ लाइट है, एस, ठीक है। अब ध्यान देने क्या बोलना चाह रहा है, ये सारा पॉइंट कल पढ़ाए थे आपको हम, नेक्स्ट जो हो जाएगा शॉर्ट बन जाएगा इसके लिए दूसरे वेव फ्रंट के लिए, ठीक है। सारा पॉइंट नेक्स्ट शॉर्ट बन जाएगा दूसरे वेव फ्रंट के लिए, ठीक। तो हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड पढ़े। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, ठीक है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल गया v इंटू टी। मान लो कि ये वेव फ्रंट 9 बज करके 9 बजे बना, मान लो सपोज पे हमको निकालना 9 बज करके दूसरे सेकेंड पे वेव फ्रंट कहा बनेगा, 9 बज करके दूसरे सेकेंड पे, कुछ नहीं करना, जहां टाइम है वहां 2 पुट कर देंगे। और हम सब जानते हैं वेव का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ लाइट का स्पीड क्या होता है, 6 × 10⁵ कितना आएगा, 8, ठीक है, मीटर में आएगा ये। तो आपको क्या करना है, नया वेव फ्रंट बनाने के लिए स्केल प्रकार लेना है, प्रकार से 6.6 × 10⁸ मीटर का एक आर्क, इसको सेंटर मान लीजिए, एक आर्क ड्रॉ किए कितना लेंथ का, एक आर्क ड्रॉ किए 6 × 10⁸ मीटर लेंथ का, यहां भी एक आर्क ड्रॉ किए उसी लेंथ का, यहां भी हर जगह पर एक आर्क ड्रॉ किए उसी लेंथ का, ठीक है। अब सारे आर्क का टेंजेंट, सारे आर्क का कॉमन टेंजेंट, इस आर्क का टेंजेंट, इस आर्क का टेंजेंट, सारे आर्क का कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे। जब सारे आर्क के कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो बोलो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नया वेव फ्रंट, ठीक है। मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर न्यू वेव फ्रंट निकालना है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर न्यू वेव फ्रंट निकालना है तो आपको उस पॉइंट सोर्स से जो सेकेंडरी वेवलेट्स का के लिए अपना काम करेगा, उस पॉइंट सोर्स से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। हर एक पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे, सबको ड्रॉ नहीं किए हैं, कुछ कुछ ड्रॉ किए कुछ ड्रॉ नहीं किए, हर एक पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे, उस आर्क का जो कॉमन टेंजेंट होगा बहुत दूर होगा नहीं, तो आपका टेंजेंट बहुत कॉमन कर्व के रूप में बनेगा, उसी कर्व को हम लोग क्या करेंगे एक सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे, इस सोर्स से जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब इसका हर एक सोर्स फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक है। फिर मान लो हमको चाहिए 3 सेकंड पर, और तो दूर दूर जाएगा नहीं, मान लो ये आर्क यहां मिला, ये आर्क यहां मिला, ये आर्क यहां मिला, ये आर्क यहां, सब आर्क का टेंजेंट फिर ज्वाइन करेंगे, तो इसका कॉमन टेंजेंट क्या देगा हम लोग को, इसका कॉमन टेंजेंट क्या देगा, इसका कॉमन टेंजेंट हमको नेक्स्ट वेव फ्रंट देगा। मतलब जहां पर वेव फ्रंट निकालना है उसके लिए आपको उसी आर्क का रेडियस सपोज कर काटना है और उसे कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन करना है, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा, वेव फ्रंट 3 मिल गए, ठीक है। जिस टाइम पर निकालना है उस टाइम मिल जाएगा ना, तो इसी का यूज करना है। वी डिस्टेंस है इक्वल टू वी इंटू टी, वी आपका क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, जितना सेकंड पर आएगा उतना टाइम पुट करोगे, सॉल्व करोगे जितना आएगा वो डिस्टेंस पर, उसी डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा वो लाइन, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो कितना डिस्टेंस पर, देखिए पास में इसको, ये तरीका आपको सिखाया है हाइजेंस प्रिंसिपल का। तीसरा जो लॉ है वो ये कहता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आपको निकालना हो सेकेंडरी वेवलेट्स कहां बनेगा, उसका शेप कैसा होगा, तो उसके लिए काम करना है। शेप ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट, शेप ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट, शेप ऑफ डिफरेंट
वेव फ्रंट और ए लाइट सोर्स एट इंफिनिटी और ए लाइट सोर्स एट इंफिनिटी और ए लाइट सोर्स एट इंफिनिटी। अगर लाइट सोर्स इंफिनाइट पर होगा उन सारे का कैसा शेप बनेगा, इस पर काम करना है। चलिए ध्यान से तो सुनिएगा। देखिए यहां से ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, हर एक लेंस के थ्रू बनाएंगे, पहले कंकेव के थ्रू बनेगा, प्लेन के थ्रू ही बनेगा। ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इन्फिनाइट पर लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स इन्फिनाइट पर है, उससे आने वाला हर रे आपस में क्या होगा, पैरेलल। किसके होगा पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को होगा पैरेलल। ठीक है, मान लिया प्रिंसिपल पैरेलल होगा। बोलो यहां लाइट फ्रंट इन्फिनाइट पर है, तो ये सब वेव फ्रंट, ये सब रे आपका रे है, रे आपको पढ़ा था, रे हमेशा वेव फ्रंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जरूर ये वेव फ्रंट कैसा होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, नहीं होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा यहां तक। लेकिन ये सब मिट करके कन्वर्ज कर जाते थे पॉइंट पर, कन्वर्टिंग है ना ये, तो ये कन्वर्ज कर गया। अब इस रीजन में वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इस रीजन के लिए ये पॉइंट सोर्स हो गया, नया पॉइंट सोर्स, यहां कन्वर्ट किया, फिर यहां लाइट फैलेगा, तो ये आपका पॉइंट सोर्स हो गया। तो थे पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, मतलब कि इनफाइनाइट से आ रहा है यहां तक, वो प्लेन के परपेंडिकुलर कब होगा, जब आप लोग प्लेन लेंगे वेव फ्रंट तक, और यहां जब कन्वर्ट कर गया तो इस ये हो गया आपका नया पॉइंट सोर्स, किसके लिए, इस लेंस के लिए, नया पॉइंट सोर्स जो हो गया वो पॉइंट सोर्स हो गया। पॉइंट सोर्स के कारण जो बनता है फ्रंट, वो प्रायः क्या बनता है, आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला फिगर हो गया कन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसा बनेगा, ये पहला केस हो गया थ्रू कन्वेक्स लेंस, थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। तुम बंद करके इसको, फ्रैक्शन के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। चलिए ये कनकेव कन्वेक्स के थ्रू, अब आइए कनकेव के थ्रू डांस को, कन्वेक्स के थ्रू जो वेव फ्रंट बना हुआ है, कनकेव के थ्रू आते हैं, देखो वो भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आइए फॉर कंकेव, ठीक है, कंकेव है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस ऑल आर इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम वेयर, कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, कौन लेंस है ये, कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा ये भी। ठीक है, चलिए यहां से इंफिनाइट जा रहा है, यहां जितना भी वेव फ्रंट बनेगा वो सब कैसा बनेगा, प्लेन, यहां पर सारा बनेगा प्लेन, सारा बनेगा प्लेन। ठीक है, टोटल जितना बनेगा सब, तो प्लेन बनेगा तो ना परपेंडिकुलर बन पाएगा वो, यहां आइए जो फैल रहा है, फैलने के बाद ये कहां मिट करेगा, फोकस मिट करेगा, कहां मिट करेगा, फोकस मिट करेगा, जब फोकस मिट करेगा तो फोकस क्या हो गया, नया पॉइंट सोर्स हो गया इसके लिए, और नया पॉइंट सोर्स बन गया, पॉइंट सोर्स के कारण वेव फ्रंट बनता है, क्या बनता है, स्फेरिकल ना, इसका मतलब वो सब क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर प्लेन वेव फ्रंट बनेगा आने वाले इंसिडेंट रे के द्वारा। ठीक है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा जो रे आपका अपीयर टू मीट हो रहा है उस पे, या जो रे रिफ्लेक्ट कर गया उसके लिए भी, जो अपीयर टू मीट हो रहा है उसके लिए भी, और जो मीट कर गया है, जो फैल रहा है उसके लिए भी। मतलब यहां तीन तरह के बन गया, इंसिडेंट जो आ रहा है उसके लिए प्लेन है, सुनोगे, जो आ रहा है उसके लिए प्लेन है,
और जो अपीयर टू मीट है, ये सब अपीयर टू मीट हो गया ना, मीट कर नहीं रहा, अपीयर टू मीट है उसके लिए जैसे स्फेरिकल, और जो आपका रिफ्लेक्ट कर गया उसके लिए भी क्या होगा स्फेरिकल। तीन तरह बन गए थे, रिफ्लेक्शन के पहले भी प्लेन था, रिफ्लेक्शन करने के बाद स्फेरिकल हुआ, अपीयर टू मीट जो रेज है उसके लिए भी स्फेरिकल। तीन तरह के यहां हो गया। देखो आप यहां से यह है कंकेव मिरर, ये सरफेस इसका पॉलिश्ड है, इनफाइनाइट से रे आ रहा है, ऑब्जेक्ट को आपने लाइट सोर्स कहां रखा, इनफाइनाइट रखा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया, इनफाइनाइट से रे आ रहा है, एक रे, दूसरा रे, चार रेज है जो इनफाइनाइट से आ रहे, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां मिट करेगा सब, रिफ्लेक्ट करने के बाद सब फोकस पर एक्चुअली मिट करेगा, इसका मतलब ये एक्चुअल पॉइंट सोर्स नया बन गया, एक्चुअल पॉइंट सोर्स। और यहां से यहां तक क्या होगा पैरेलल, आने वाले सारे इंसिडेंट रे के लिए वो क्या है प्लेन वेवफ्रंट नहीं है, आने वाले सारे इंसिडेंट रे के लिए प्लेन वेवफ्रंट है, ऐसे इस तरह से इंसिडेंट रे फिगर थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे ऐसे नहीं है वो, ऐसे नहीं है, ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे प्लेन सब, ठीक है। लेकिन ये नया पॉइंट सोर्स के लिए क्या हो गया, ये सब स्फेरिकल, बस यहीं तक, उधर नहीं, उधर गया कहां, यही उड़ गया ना, ठीक है। मैं यहां पर दो टाइप का बना है, रिफ्लेक्शन के पहले प्लेन था, रिफ्लेक्शन के बाद स्फेरिकल, ठीक है। देखो कन्वेक्स में क्या होगा, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद सब वापस लौट जाएगा इस तरह से कि वो फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अपीयर टू मीट कहां होगा, ये अपीयर टू मीट एट फोकस। चलिए पहले शुरुआत में क्या बनेगा, शुरुआत में रिफ्लेक्शन से पहले क्या बनेगा, प्लेन बनेगा बिल्कुल, रिफ्लेक्शन के पहले प्लेन, रिफ्लेक्शन के बाद वो स्फेरिकल इस तरह से बनेगा, ठीक है। इन सारे शेप को ध्यान रखेगा, इसका यूज करके हम लोग बनाएंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे जो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, प्रोप्राइटरी वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इंटरफ्रेंस, रिफ्लेक्शन और कौन सा पोलराइजेशन, इन पांच फेनोमेना को डिस्कस करेगा, इनको बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, लेकिन वो था पार्टिकुलर ऑफ लाइट पर बेस्ड, वेव थ्योरी पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमें पढ़ना है और प्रूफ भी करना है कि आई प्लस आर कैसे होता है, इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में प्रूफ किए थे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक से बनाओगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन पे काम कर रहे हैं किस आधार पर, तो वेव थ्योरी ऑफ नेचर के आधार पर, ध्यान से आप दो सिंपल काफी है। ये मान लीजिए एक्स वाई आपका हो गया प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो एक्स वाई इज ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है।
अब लोग हम लोग क्लास जो पढ़े थे 8 में या 10 में उसमें इंसिडेंट रहे इस तरह से, ज्यादा यहाँ पर ये ब्लैकिंग सरफेस है, ये पॉलिश हो गया, ये सरफेस हो गया पॉलिश, वहां इंसिडेंट गिराए थे डिफ्रैक्ट है, जो दर्पण पे गिराया गया इसको थोड़ा और बड़ा कर लूंगा, ये फिगर दर्पण को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। ये भी एक प्लेन वेब फ्रंट है जो हमने दर्पण पर गिराया, दर्पण का ये सरफेस पॉलिश्ड है, इसको पॉलिश कर लोगे इस तरह से। हो गया, अब लो इस पर रे, इस पर रे ड्रॉ करना है इस वेब फ्रंट पर, पढ़ाए थे आपको वेब फ्रंट से रे हमेशा परपेंडिकुलरली पास करता है। एक रे हमने लिया बी पॉइंट पर, एक रे लिया जस्ट बी पॉइंट पर, दूसरा रे लिया मैंने ए पॉइंट पर, दोनों परपेंडिकुलर बिल्कुल होगा ना, ठीक है, दो रे लीजिए, एक बी पॉइंट पर एक ए पॉइंट पर, ठीक है। चलिए बोलिए रे के लिए, इस रे के लिए व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया किसके लिए, इस रे के लिए, इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी वेव फ्रंट, दिस आर टू रेज ऑन द वेव फ्रंट विच आर परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू लॉ, पढ़ाया था आपको, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो क्लास